प्रभात बच्चों, आपने पाठ 9 में बंदर और गिरहरी की कहानी पढ़ी, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर बनाए। अब आप पेज नंबर 70 में गप्पे हैं, इसे बनाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी जैसे। तो यहाँ आप अपनी कल्पना शक्ति से या सोच के लिखेंगे कि क्या हो सकती, कितनी घनी क्या हो सकती है। तो आप बताओ क्या हो सकता है, घना क्या होता है। इतनी घनी थी जैसे जंगल। भालू इतना मोटा था, कितना मोटा था। आप किससे इसकी तुलना करोगे, हाथी से कर सकते हो या ड्रम से कर सकते हो। ऊंट इतना ऊंचा था जैसे पहाड़ ऊंचे होते हैं। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे छोटे चीनी का दाना या चावल का दाना, इतनी छोटी थी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। आपने जलेबी देखा है ना, कितनी टेढ़ी होती है। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे मिश्री या चीनी या गुड़। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दो। इसमें बच्चों आपके कल्पना शक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप क्या सोचते हैं और आप किससे कैसे तुलना करते हैं। तो बच्चों आप इसे किताब में और अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। धन्यवाद।